हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सही सलाह। तो गाइस, आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं पबजी से ही रिलेटेड। यार, सबको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि पिंग हाई। भाई, ये क्या है? फर्स्ट टाइम आप जब किसी भी नया सिम यूज करते हो या कोई नया ब्रॉडबैंड यूज करते हो तो आपको पिंग अच्छा खासा मिलता है भाई, 30 40, किसी के तो 10 भी आते हैं जो महंगे वाले ब्रॉडबैंड यूज करते हैं उनका। और बाद में भाई हो जाता है कहाँ यार, 200 300 400 पिंग हाई होने लगता है। तो इसका कोई फिक्स वीडियो आप अगर यूट्यूब पे सर्च करते हो कि मुझे भाई इसका फिक्स वीडियो चाहिए कि पिंग कैसे फिक्स करें, तो आपको हजारों वीडियो मिल जाएगा देखने के लिए। लेकिन आप बेवकूफ ना बने, पिंग हाई होने का कोई इलाज नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जो आपका पिंग को प्रॉब्लम फिक्स कर देगा। पिंग फिक्स होगा तो सिर्फ एक ही जगह से गाइस, और वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, ठीक है? तो मैं आपको सबसे पहले अपना मोबाइल के स्क्रीन पे ले जाना चाहूँगा और मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा कि मतलब पिंग का मतलब क्या है और इसे फिक्स कैसे करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अपना मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ और आपको भी मोबाइल स्क्रीन पे जाना है और उसके बाद आपको क्लिक करना है क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र खुलने के बाद गाइस, आपको सर्च करना है पिंग टेस्ट। पिंग टेस्ट आप जैसे ही सर्च कर दोगे उसके बाद आपको एक वेबसाइट आएगा स्पीड टेस्ट के नाम से, तो आप उस पर क्लिक करना। और अगर परेशानी हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना मेरा, उसमें आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। अब आपको स्पीड पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, आप देख सकते हो कि यहाँ मेरा पिंग शो कर रहा है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा पिंग है फिलहाल। मुझे जो पिंग मिल रहा है वो है 189। ये रहा डाउनलोडिंग स्पीड गाइस, आप यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पे अपलोडिंग स्पीड दिखाया जाएगा, तो डाउनलोडिंग स्पीड भी अच्छा है, अपलोडिंग स्पीड भी ठीक ठाक मिल रहा है। लेकिन आप पिंग देख रहे हो भाई, 189 कितना हाई है। इतना हाई में भाई गेम नहीं चलेगा। आपका पीसी कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, आपका पास अच्छा वाला ग्राफिक्स कार्ड है भाई, प्रोसेसर भी ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाया गया है, ठीक है? अब मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ भाई। ये आप किसी वेबसाइट पे विजिट करोगे तो ये ग्रीन दिखा रहा है, ये 100% वर्क करेगा। वीडियो ऑनलाइन देखोगे तो वो चल जाएगा, कॉलिंग भी आपका चल जाएगा। लेकिन गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो गेमिंग है तो ये रेड दिख रहा है, तो ये नहीं चलने वाला है। तो सारा प्रॉब्लम फिक्स यही हो गया भाई कि आपका नहीं चलने वाला है गेम, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि आपका गेमिंग के लिए नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है उतना अच्छा कि वो गेम को चला सके, ठीक है? तो अब मैं आपको बारीकी से इसका मतलब समझाता हूँ, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है और आप कैसे ठीक कर पाओगे इसे। तो गाइस, मैं अब आपको इसका मतलब पूरा बारीकी से समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। आपने जो स्क्रीन पे देखा कि 3 ग्रीन था बाकी 2 रेड रेड, तो भाई आपका जो गेमिंग में जो दिखा रहा था कि रेड है, तो भाई आपका ये नेटवर्क ही प्रॉब्लम है यार। आपका गेम और आपका जो भी लैपटॉप या पीसी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रॉब्लम है नेटवर्क में। आप जब अच्छा ब्रॉडबैंड यूज करोगे या कोई अच्छा ऐसा, कोई मुझे नहीं लगता कि कोई सिम अभी ऐसा है जो आपको अच्छा खासा पिंग दे दे, तो ब्रॉडबैंड ही है। एक महंगा पड़ता है, 600 700 रुपया आपको महीना देना पड़ता है, लेकिन उसमें आपको पिंग अच्छा मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा इशू यही है कि भाई आप ब्रॉडबैंड अच्छा यूज कर लो, आपका सारा प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। और कुछ बंदे जो बोलते हैं ना कि भाई मेरा गेम तो लेग करता है, तो भाई लेग नहीं करता है गेम, आपका पिंग हाई हो जाता है तो आपका गेम लेग करता है। आपका पिंग सही रहेगा तो आपका गेम भी सही रहेगा। और कुछ बंदे का कहना है कि भाई मेरा तो पिंग भी सही है फिर भी गेम हाई होता है, तो भाई उसमें प्रॉब्लम यह है कि आपका जो पीसी है उसमें रैम कम है और वो पुराना है, लैपटॉप पुराना है, आपका पीसी पुराना है, आप अच्छे खासे प्रोसेसर यूज नहीं कर रहे हो, तो इसलिए आपका गेम लेग हो रहा है।
तो ये दो रीज़न है लेग होने का। अगर आपको ये दोनों ठीक है ना, तो भाई मैं आपको गारंटी कहता हूँ आपका गेम कभी भी लेग नहीं होगा। भाई मेरे पास एक सिंपल सा लैपटॉप है, लिनोवो थिंक पैड T4030, तो भाई इस लैपटॉप में आप अगर देखोगे तो 4 GB का रैम मिलता है, लेकिन मैंने इसमें 8 GB रैम लगवाया है और i5 का प्रोसेसर है, i5 3rd जनरेशन, और एक इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड भी लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसमें मैं गेम खेलता हूँ भाई, बहुत ही अच्छा चलता है, ठीक है। जब मेरा पिंग अगर ख़राब रहता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो पिंग इतना इस टाइप से मिल रहा है मुझे, इधर करीब 1 हफ्ता से मेरा पिंग बहुत ही ख़राब हो गया है, जब से आपको ये जियो का नया अपडेट आया ना, उसका सारा प्लान का जो भी था 200 वाला 400 हो गया भाई जो हुआ, उसके बाद से फलाना डिम का ना जो भी प्लान था सब चेंज कर दिया, तब से मेरा पिंग हाई हो रहा है और तब से मैं गेम सही से खेल नहीं पा रहा हूँ। अगर भाई आपका भी ऐसा प्रॉब्लम है तो सबसे पहले नेटवर्क को आप ठीक करो, अच्छा खासा ब्रॉडबैंड यूज़ करो, उसके बाद आप कमेंट कर देना कि मेरा प्रॉब्लम फिक्स हुआ है, आपका प्रॉब्लम फिक्स हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।